ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा शुरू हो गई। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में रात करीब 11 बजे पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना शुरू हुई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ज्ञानवापी मामले में आया फैसला एक तरह से मील का पत्थर होगा। एएसआई की रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा, मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूं कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।